सो हेलो एवरीवन, तो आपका वेलकम है हमारे चैनल लर्नर राजा पे। सबसे पहले आप बैकग्राउंड म्यूजिक में आपका जितना भी नॉइस आ रहा होगा इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का समय। तो मेरे घर से काफ़ी नज़दीक ही दुर्गा पूजा का मंदिर है, तो वहाँ पे अभी दिन भर मतलब उनका भजन वगैरह होते रहता है, तो उसका आपको आवाज़ हमारे बैकग्राउंड में आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने जो 30 डे पेपर ट्रेडिंग शुरू किया था उसका आज 16th डे है। सच बताऊँ तो ये 16th डे नहीं है, ये 17th डे हो सकता था, बट ये जो नॉइस के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट मुझे लगा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बोलूँगा कि यहाँ ऐसा सा दिक्कत हो रहा है, तो इस कारण से मैं नहीं बना पा रहा था। तो ये 16th डे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने दो दिन ट्रेड लिया और मैं 2 दिन के बाद आज बना रहा हूँ, आज संडे है। तो जैसा कि मैंने 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर फ्राइडे उस 2 दिन ट्रेड लिया था, उस दिन जो ट्रेड लिया था वो कुछ इस तरह है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, मैं भी रहूँगा नीचे में, तो चलिए। तो जो मैंने 19 अक्टूबर को जिस दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी था उस दिन एक ही ट्रेड लिया था, और उस ट्रेड में मुझे 795 का प्रॉफिट हुआ था। काफ़ी दिन के बाद, इससे पहले भी एक दिन प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद ही प्रॉफिट हुआ। तो ये जो ट्रेड मैंने लिया था वो था 19,650 का पुट साइड, और ये इसको मैंने बाय किया था 109.6 पे। तो इसको मैंने बाय किया था 109.6 पे, और यहाँ पे मैंने टारगेट इसका रखा था इसका मैंने टारगेट रखा था 130। हाँ, जो मैंने जो उस दिन जो ट्रेड लिया था वो मेरा एग्जिट करने का रीज़न ये था, क्योंकि अगर मैं एग्जिट नहीं करता उस दिन तो काफ़ी लॉसेस मुझे होते उस दिन, तो मैंने उस दिन एग्जिट कर दिया और 795 का प्रॉफिट किया। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रॉफिट किया और मैं एग्जिट और कैसे ट्रेड लेता हूँ, ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने उस दिन 927 पे ट्रेड लिया था, तो वो जो कैंडल था वो नीचे काफ़ी गया, ठीक है, तो वहाँ से मुझे और भी नीचे जा रहा था मार्केट, तो वहाँ पे मैंने देखा एक हैमर बन गया, तो यहाँ पे मुझे लगा कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मैंने वहाँ एग्जिट ले लिया और प्रॉफिट भी मुझे उस दिन काफ़ी हो चुका था, जिस हिसाब से मैंने लगाया था कि मैं सोचता हूँ कि जैसे जितना मुझे परसेंटेज मिल जाओ उस हिसाब से प्रॉफिट मुझे हो गया था, तो मैं वो ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने उस दिन जो है बहुत ही जल्दी डिसीजन लेके उस एग्जिट कर दिया और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा, तो इसी प्रकार मेरा उस दिन का प्रॉफिट जो था 19 अक्टूबर का प्रॉफिट में रहा। और फिर मैं 20 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मेरा लॉसेस हो रहा है। मैं जब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था तो लॉस उतना नहीं कर रहा था, बट अब मैं काफ़ी लॉस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि एक्सपेरिमेंट। तो इस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैं अपना ट्रेडिंग ख़राब कर दूंगा। तो 20 अक्टूबर को मैंने क्या किया कि सुबह होते ही 2 ट्रेड ले लिया। जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो 949, और 949 में 19,750 का कॉल साइड ले लिया था, जो 168.55 पे बाय किया था और उसे छोड़ दिया था। तो मैंने जो सेकेंड ट्रेड लिया था उसमें मुझे 360 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, ये मेरे लिए काफ़ी नुकसान का कारण बन रहा है, और मैं इससे अपना ट्रेडिंग का लग रहा है कि मैं काफ़ी अपना साइकोलॉजी, अपना जो भी मैंने प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ वो सब चीज़ मैं खो रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है बट ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा, तो मैं अब प्रॉपर ढंग से ट्रेडिंग करूंगा, और प्रॉपर ढंग से ट्रेडिंग करने से होगा कि मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा। तो इसी तरह मैंने ये सब किया, और अब मंडे को देखते हैं क्या होता है, वो फिर मैं आपसे डेली अपडेट करूंगा। और तो इसी तरह हमारा दिन की समाप्ति होती है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और प्लीज़ लाइक करो वीडियो।